हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज हम बढ़िया सा एक और वीडियो लेके आए हैं। और आपको पता है कि मेरे लॉकडाउन में बहुत मजे लगे हुए हैं। मजे कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा के रिव्यू कर रहा हूँ। सो बहुत मजा आ रहा है मेरे को, मैं रोज बाहर का खा रहा हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, आज हम रिव्यू करेंगे बहुत ही बढ़िया सा और बढ़िया रिव्यू करेंगे छोले भटूरों का। और तो आज खाएंगे, और ये बिल्ले दी हट्टी से मैंने, आप देख सकते हो, ये लस्सी भी मंगवाई है, और ये इसके प्याज वगैरह हैं, सैलेड जो कह सकते हो, और ये इसके छोले हैं बिल्ले दी हट्टी के, ये ओम दी हट्टी के छोले हैं, और ये है इसका सैलेड जो प्याज और वो गई मिर्च। तो अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कि दोनों में से मेरे को कौन सा बढ़िया लगता है, और इसका रेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खाते हैं और टेस्टिंग करके बताते हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं बिल्ले दी हट्टी से पहले। और यार वैसे आपको एक बात बताऊं तो दोनों का वैसे डिफरेंस पता है, हाथ से ही पता पकड़ के पता लग गया। ये ओम के छोले भटूरे बहुत हैवी हैं, ये पता लग गया, देखो कितना हैवी है ये बहुत लाइट है। तो पहले बिल्ले दी हट्टी ट्राई करते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। ये बिल्ले दी हट्टी से जो मैंने मंगवाए थे, ये हैं इनके भटूरे। ये भटूरे नहीं है, ये पूड़ी है, और भटूरे नहीं होते, वे पूड़ी है। तो एक बार ये ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पैकिंग तो बहुत अच्छे से करी थी इन्होंने, ये देखो, ये थोड़ा मेरे हाथ ऑयली हो गए हैं, तो इसी से हम डालेंगे आज। तो ये आप देख सकते हो इनके छोले, और देखने में तो बहुत यम्मी लग रहे हैं, बाकी अभी पता लगेगा कि टेस्ट कैसा है। तो आज प्लेट में डाल के खाएंगे। और इनका सैलेड भी थोड़ा सा आप देख सकते हो येलो कलर का है, और ये जैसे कि ओम दी हट्टी के जैसे सैलेड है, ये हर जगह कॉमन होता है ये। और ये मेरे को पहली बार मैंने देखा कि यूनिक है ये। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये कौन सा अचार है, ये मेरे को नहीं पता, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। पर ये नींबू का लग रहा था, ये नींबू है नहीं वैसे। ट्राई करते हैं और बताते हैं। बहुत स्पाइसी है, हल्की सी बाइट मारी, बहुत स्पाइसी है, पर ये नींबू का नहीं है। जोन सा भी आप कमेंट करके बताना, कमेंट डाउन बिलो। और आप बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। ये पूड़ी करारी हो चुकी है, टेस्ट अच्छा है, स्पाइसी नहीं है। छोले इनके बहुत छोटे हैं, आप देख सकते हो, स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। सैलेड इनका बहुत स्पाइसी है, और छोले ज्यादा स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। छोलों में आलू भी दे रखा है, पर मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। जितने का मेरे को पड़ा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके रेट्स दे दूंगा, पर एक बार ट्राई करने वाली जरूर चीज़ है। अगर अच्छी लगेगी तो आप दोबारा बार खाओगे ही खाओगे। सो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और ये बिल्ले दी हट्टी की लस्सी जो ठंडी ठंडी है एकदम, बहुत टाइम बाद ठंडा पी रहे हम। सो एक बार ये ट्राई करते हैं, ये आप देख सकते हो, इसकी लस्सी यार बहुत बढ़िया है, मजा आ गया। ऊपर पूरी मलाई है, लस्सी इसकी बहुत ही बढ़िया है। लस्सी तो मतलब मजा बांध दिया लस्सी ने, एक सिप मुंह में जाते ही पता लग गया, मतलब अगर आप ये दोनों खा लोगे तो आपको नींद आएगी ऐसी, बहुत मतलब सो गए ऐसा हो जाएगा, और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो अब ओम दी हट्टी ट्राई करते हैं, किसका टेस्ट कैसा है। ओम दी हट्टी का ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं कि आपको कैसा है। मेरे को बिल्ले दी हट्टी के टेस्ट अच्छा लगा, लेकिन अब देखते हैं कि ज्यादा अच्छा किसका टेस्ट। इसका तो भटूरा इतना हैवी है ना यार, ये देख सकता हूँ, मैंने हाथ में पकड़ा है, मेरे को पता लगा कि बहुत हैवी है भटूरा इसका। और ये छोले हैं जिसमें थोड़ा सा तेल बह रहा है, और ये ब्लैक कलर के छोले हैं, आप देख सकते हो, इसमें आलू डाल रखा है। ये अच्छे से दिखाते हैं आपको कि आलू डाल रखा है, और इन छोलों में से तो ये खोलते ही ऐसी खुशबू आई है, तो मतलब मज़ा तो लग रहा है कि ये बहुत स्वाद होंगे, ये देख सकते हो। और ये ब्लैक कलर के छोले हैं, छोलों का कलर देखो ब्लैक है,
सो ये बहुत यम्मी लग रहे हैं, तो अब इसका टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है। गाइस इसकी एक बार फिलिंग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, पनीर है या कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी पूड़ी जो थी वो बिल्कुल प्लेन थी। सो इसको एक बार देखते हैं, ये भी प्लेन भटूरा है बिल्कुल, नहीं इसमें भी है पनीर लेकिन बहुत कम है पनीर, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा पनीर डाला हुआ है, तो ये ना के बराबर ही है, तो ये प्लेन ही मान सकते हैं इसको। तो ट्राई करते हैं ये। होए होए खुशबू लेकिन बहुत अच्छी आ रही है यार इन छोलों में से। यार ये तो मैंने पहली बाइट में ही मेरे को बिल्ले दी हट्टी से ज्यादा बेटर टेस्ट लगा, क्योंकि बहुत लोग बिल्ले दी हट्टी का भी खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन ओम दी हट्टी का तो मेरे को बहुत ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके यार मैं तक चूल्हे का रंग देख खेल गया, मैंने फर्स्ट टाइम खाया ओम दी हट्टी के, और ब्लैक कलर है, और ये ना मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट है यार इनके छोलों का, मतलब ये तो फर्स्ट बाइट में इसकी खुशबू जैसी खोला, खुशबू बहुत अच्छी थी और खाते मजा आ गया। सो अगर दोनों में से देखा जाए तो इसको मैं 10/10 दूंगा और बिल्ले दी हड्डी को 10/8 दूंगा, 2 मार्क्स तो कटेंगे, और इसका सैलेड जो नॉर्मल होता है छोले भटूरे में वो नॉर्मल ही है, और बिल्ले दी हट्टी की लस्सी का तो यार कोई जवाब ही नहीं है, 10/10 है, तो मजा आ गया। घर बैठ के आप भी इंजॉय करिए, अभी बाहर ना निकलिए, और छोले भटूरे खाइए, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, स्टे ट्यून विद अस, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना वीडियो को, लाइक जरूर करना, और मिलते हैं, कीप सपोर्टिंग गाइस।